नमस्कार दोस्तों, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शेयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों केमिकल सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर स्टॉक है दोस्तों, और 1364 रुपए 64 पैसे पर स्टॉक, 1364 रुपए पर स्टॉक का प्राइस देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर 22 रुपए की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है दोस्तों, 1.65% की गिरावट है क्लीन साइंस के शेयर में दोस्तों। यहाँ पर एक सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह से स्टॉक प्रॉफिट के साथ देखने को मिल रहा है या दोस्तों, यहाँ पर 65 रुपए का प्रॉफिट है और 4.98% यानी कि 5% के आसपास स्टॉक का प्रॉफिट देखने को मिला है। स्टॉक की गिरावट होने की संभावनाएं बन सकती है दोस्तों। स्टॉक ने यहाँ पर 1367 का स्टॉक लो ब्रेक किया है दोस्तों। स्टॉक की जो मोमेंटम है यहाँ पर, अगर स्टॉक का थोड़ा सा बाइंग साइड मोमेंटम अगर बढ़ाता है तो अच्छे खासे बन सकती है बाइंग साइड मोमेंटम, और अगर गिरता है तो फिर भारी ब्रेकडाउन स्टॉक में देखने को मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पर अगर बात करें मंथली के साथ, स्टॉक बाइंग साइड बनाने की मोमेंटम बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। 1 महीने के साथ स्टॉक का 1.58% की गिरावट देखने को मिल रही है। 22 रुपए की स्टॉक में गिरावट है दोस्तों। ईयरली की बात करें तो स्टॉक ईयरली के साथ 243 रुपए का गिरावट क्लीन साइंस के शेयर में, और 15% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है दोस्तों। भारी गिरावट के साथ स्टॉक यहां पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, और यहां से स्टॉक बाइंग साइड मोमेंटम देखने को मिली है। 1330 रुपए से स्टॉक की मोमेंटम देखने को मिली है, तो दोस्तों अच्छे खासे मोमेंटम स्टॉक का बना सकता है दोस्तों। यहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस है दोस्तों, वहां पर स्टॉक 2023 में स्टॉक ने लो ब्रेक किया था 1286 रुपए पर, और यहाँ से 2023 में हाई दिया था 1400, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर लो ब्रेक किया है 1321 का। यहाँ से फिर हाई मोमेंटम स्टॉक का बनाता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों। 5 वीक के साथ भी और ऑल टाइम के साथ भी स्टॉक का भारी गिरावट के साथ देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये क्लीन साइंस के शेयर है, उसको गिरावट होते हुए स्टॉक में देखने को मिल रही है दोस्तों। यहाँ पर टुडे लो 1350 रुपए और टुडे हाई 1394 रुपए देखने को मिल रहा है। 52 सप्ताह का लो 1227 और 52 सप्ताह का हाई 1619 रुपए देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट रेटिंग की सबसे बायर्स इसमें 60% है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 25% है, मार्केट कैप 14,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर अच्छे खास मोमेंटम तो है और कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन चार्ट के हिसाब से भारी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है दोस्तों। तो यहाँ पर चार्ट पर गिरावट ज्यादा देखने को मिल रही है दोस्तों। बात करें दोस्तों तो अच्छी खासी जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाजार में निवेश करते हैं, इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर बाजार में निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।